हल्द्वानी में त्रिवेंद्र सरकार के शराब सस्ती करने के बाद विपक्ष हमलावर है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतले दहन किए। हल्द्वानी में महानगर कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीएम का पुतला दहन किया। कांग्रेसियों ने बीजेपी पर राज्य के युवाओं को रोजगार न देकर नशे की गर्त में धकेलने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि इस सरकार में शराब को छोड़कर बिजली पानी और परिवहन किराया सब महंगा हो रहा है। जाएगी इतनी बढ़ती हुई बेरोजगारी पे वो कोई रोकथाम लगाने की जगह बस के भाड़े बढ़ा रहे और शराब को सस्ता कर रहे हैं, गैस के दाम बढ़ा रहे, शराब को सस्ता कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा नहीं दे रहे, शराब के दाम कम कर रहे हैं, तो क्या नशाखोरी की तरफ धकेलना चाह रहे हैं इस प्रदेश को? क्या सामाजिक संदेश दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने ये काम करके? तो इसके विरोध में फॉरेस्ट गार्ड में जो पेपर लीक हुआ, भर्ती की प्रक्रिया में साजिश रचने का प्रयास करा गया, उसके विरोध में यहाँ पुतला दहन भी हुआ है।